सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आसूस का वीवो बुक प्रो 15 ओलेड कोर i5 12 जनरेशन के साथ, और ये 2022 का न्यू लॉन्च एडिशन है। इसमें आपको मिलते हैं इंटेल का कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर, साथ ही इसमें RTX 3050 Ti ग्राफिक्स। तो चलिए लैपटॉप को अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साथ ही इसका मार्केट प्राइस क्या है, आप इसे कितना में परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे जो है डब्बा मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड साथ ही यहाँ पे आसूस का वीवो बुक सीरीज का ये लैपटॉप है। यहाँ पे आपको पूरा मॉडल नंबर मिल जाता है K6500ZEL502WS, इसका पूरा मॉडल नंबर है। साथ ही यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वगैरह भी मेंशन मिल जाता है। एंड यहाँ पे इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी आप परचेज करने जाएं तो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाता है। इसमें आपको ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है। एंड साथ ही मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो 2022 का मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और डब्बे पे जो MRP है वो अप्रॉक्स 1,15,000 का है। बट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कितना में से परचेज कर सकते हो। एंड साथ ही इसमें MS ऑफिस भी आपको मिलता है। सो यहाँ पे डब्बे अंदर में जो है कुछ यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही कुछ ऑफर वगैरह से जो है यहाँ पे आपको क्यूआर वगैरह मिलता है, तो आप इसे अपना स्कैन करके इसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही जो है यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको ओरिजिनल पावर केबल मिलता है, यहाँ पे आपको एक पावर केबल है। एंड साथ ही राइट साइड की अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक पावर एडेप्टर मिल जाता है, जो कि 150 वाट का यहाँ पे आपको पावर एडेप्टर मिलता है। और एंड चार्जिंग पिन जो है यहाँ पे आपको स्मॉल पिन मिलता है। बात करें इसका बैटरी बैकअप का, तो अप्रॉक्स 4 to 5 आवर जो है इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। और चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 2 to 2.5 घंटा लगता है लैपटॉप को चार्ज होने में। सो डब्बे के अंदर एक पावर एडेप्टर, साथ ही कुछ यूजर मैनुअल एंड एक लैपटॉप यहाँ पे आपको मिलता है। सो चलिए अब लैपटॉप देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आप लैपटॉप देख सकते हो, लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। साथ ही इसका मैं अगर बात करूँ कलर का, तो मेरे पास जो अवेलेबल कलर है वो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो द बेस्ट आसूस ओलेड लैपटॉप फॉर क्रिएटर, यानी कि ये क्रिएटर सीरीज़ का लैपटॉप है। इसमें आपको ओलेड मिलते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे जो है 100% DCP3 मिलता है। डुअल फैन सिस्टम है, आपका एनवीडिया का स्टूडियो ग्राफिक्स इस यहाँ पे आपको मिलता है, इंटेल RTX 3050 Ti ग्राफिक्स यहाँ पे मिलता है। एंड यहाँ पे आप लोगो भी देख सकते हो, थोड़ा सा नया डिज़ाइन का यहाँ पे आपको लोगो मिलता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो प्लेट मिलते हैं ये आपका फुली मेटल यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी मिलता है, एल्युमिनियम बिल्ड यहाँ पे आपको मिलता है, और फ्लैक्स वगैरह जो है लैपटॉप में बहुत कम मिलता है। यहाँ पे आप फ्लैक्स वगैरह देख सकते हो। एंड साथ ही जो है यहाँ पे आप थिकनेस वगैरह देख सकते हो, यहाँ से आपको थिकनेस वगैरह दिखता है। सो नॉर्मली लैपटॉप में आपका जो है ज़्यादा थिक यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल एक थिकनेस देखने को मिलता है। एंड साथ ही यहाँ पे आपको एक कटआउट भी मिलता है फ्रंट साइड में लैपटॉप का शटर ओपन करने के लिए। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें आपका 3 का यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है आपको एक कटआउट है लैपटॉप का शटर ओपन करने के लिए। एंड अगर इसके अपोजिट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑडियो और माइक का जैक मिलता है, साथ में यहाँ पे SD कार्ड, एंड यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट 4 HDMI पोर्ट, एंड यहाँ पे एक USB पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, और साथ ही जो है चार्जिंग पोर्ट। बैक साइड का जो लुक है वो नॉर्मल पहले जैसा ही है, यहाँ पे आपका जो 2021 वाला सीरीज था वैसा ही बैक साइड वगैरह का है, ज़्यादा उसमें आपको चेंजेस नहीं है। एंड साथ ही अगर मैं इसका बैक साइड में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर इसमें मिलते हैं, डुअल स्टूडियो स्पीकर। साथ ही यहाँ पे आपको टोटल 4 रबर ग्रिपिंग इसमें मिलता है, जिससे आपका लैपटॉप का इनलेट एयर फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं होता और लैपटॉप आपका कूल रहता है। यहाँ पे एक बड़ा सा इनलेट दिया गया है, उसमें आपको डुअल फैन सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है। साथ ही मॉडल नंबर वगैरह एंड सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। एंड यहाँ का जो बेस का भी इसका जो पैटर्न है ये भी आपको फुली मेटल मिलता है, एंड बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे भी आपको सही सा मिल जाता है। एंड वेट की बात करें तो अप्रॉक्स जो है 1.8 kg का लमसम यहाँ पे आपको वेट मिलता है, 1.8 to 9 kg का यहाँ पे आपको वेट है।
सो चलिए इसका पहले 100 टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लैपटॉप देख सकते हो, इसे आप एक हाथ से इसका शटर को आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बिट कंट्रीब्यूशन वगैरह बहुत सही है, तो लैपटॉप ओपन आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बूटिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 13 सेकेंड लगता है लैपटॉप को बूट होने में। एंड यहाँ पे आपको बड़ा सा एक टच पैड मिलता है, और यहाँ पे आपका जो है कुछ थंब रेस्ट पे यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे इंटेल कोर i5 12th जेन प्रोसेसर, साथ ही RTX 3050 Ti, फैंटम वैलिडेट, यहाँ पे आपको जो है इसका बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है, साथ ही MS ऑफिस भी मिल जाता है। एंड बेस बॉडी का भी बिल्ड क्वालिटी वगैरह यहाँ पे आपको बहुत सही यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मिलता है। साथ ही यहाँ पे मॉडल वगैरह आप देख सकते हो, Asus Vivo Pro 15, Dual Fan, Thunderbolt 4, कैमरा शटर, ये कुछ सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाता है। साथ ही हरमन कार्डेन का शॉन्ट, ये भी यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाता है। एंड टच पैड की बात करूँ तो यहाँ पे एक बड़ा सा टच पैड आपको मिलता है, जिसमें डुअल गेस्चर सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है, और टच पैड भी बहुत प्रॉपरली यहाँ पे आपको वर्क करता है। साथ ही जो है कीबोर्ड में आपको बैकलाइट भी मिलता है, और यहाँ पे आपको चॉकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है विथ नंबर पैड के साथ। यहाँ पे आपको नंबर पैड का भी ऑप्शन मिलता है। एंड जो है सिंगल कलर का यहाँ पे आपको बैकलाइट इसमें मिलता है, और कीबोर्ड का भी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहने वाला है। साथ ही यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है। सेंटर में Asus Vivo Book लिखा हुआ मिल जाता है, और नीचे साइड में आपको नैरो बेजल डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आप बेजल्स वगैरह देख सकते हो, बहुत कम बेजल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं लैपटॉप के अंदर में। यहाँ पे आप बेजल्स देख सकते हो। साथ ही कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फुल HD यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है 10:8 रेजोल्यूशन के साथ। अभी तो यहाँ पे आपको जो है कैमरा शटर भी इसमें देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले जो है 15.6 में फुल HD यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन है, प्लस OLED डिस्प्ले के साथ यहाँ पे आपको आता है। सो लैपटॉप जो बूटिंग टाइम है वो अप्रॉक्स 13 सेकेंड लगते हैं लैपटॉप को बूट होने में। तो चलिए इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको देख लेते हैं कि इसके अंदर में आपको क्या क्या इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। सो इसके लिए टास्क मैनेजर में चलते हैं और यहाँ से परफॉर्मेंस पे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU की अगर मैं बात करूँ तो इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन प्रोसेसर है, 12450H सीरीज का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको 8 कोर 12 थ्रेड्स एंड 12 एमबी का कैश मेमोरी यहाँ पे आपको जो देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ इसका मेमोरी का तो इसमें जो रैम है 16GB का यहाँ पे आपको रैम मिलते हैं, DDR5 आपका जो है 4800 MHz का यहाँ पे आपको 4800 MHz का यहाँ पे आपको DDR5 रैम है, और 16GB तक अपग्रेडेबल है। स्टोरेज में जो है NVMe M.2 PC3 का यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें 477GB अपग्रेडेबल है एंड 477GB अवेलेबल है, और 1TB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E, 5.0 Bluetooth 5.0 एंड ग्राफिक्स में RTX 3050 के साथ यहाँ पे RTX 3050 Ti ग्राफिक्स, प्लस Intel का UHD ग्राफिक्स 16GB शेयरिंग मेमोरी के साथ ये आपको यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। तो चलिए एक बार वीडियो प्ले करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलता है, जिस हिसाब से इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। एंड साथ ही जो है OLED का भी यहाँ पे आपको भरपूर अच्छा मज़ा मिलने वाला है। यहाँ पे आप साइड वगैरह से देख सकते हो, मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे आपको वीडियो मिलता है। साथ ही अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको फुल HD कैमरा है 1080 रेजोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाता है। और भी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसका आप डिटेलिंग देख सकते हो, बहुत अच्छे डिटेलिंग में यहाँ पे जो है आपको कैमरा मिलता है। सो ये था Asus का Vivo Book Pro 15 OLED 2022 एडिशन में विथ इंटेल प्रोसेसर के साथ। सो जो है Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5 वगैरह सारा चीज़ इसमें आपको मिलते हैं, कनेक्टिविटी में कहीं से कोई कमी नहीं रखा गया। लैपटॉप बहुत अच्छा है, अगर आपको एक क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग एडिटिंग या गेमिंग वगैरह करना है तो आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हो। अब बात करूँ मैं इसका मार्केट प्राइस का, तो अप्रॉक्स इसका जो मार्केट प्राइस है वो अप्रॉक्स 80
9290 का लमसम का इसका मार्केट प्राइस है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, जहाँ चाहो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जो कि नोटबुक सीरीज़ में हो, तो आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हो, क्योंकि लाइट वेटेड भी है। साथ ही यहाँ पे आपको 180 है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंच बेस का आपको 180 है। सो लैपटॉप बहुत अच्छा है, मेटल डिज़ाइन इसमें आपको मिलते हैं, मेटल बॉडी है, बाकी और भी कॉन्फ़िगरेशन जो है इस रेंज में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप गेमिंग लेते हैं तो उसका वेट ज़्यादा मिलता है, तो नॉर्मली इसमें पावरफुल लैपटॉप होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको लाइट वेटेड भी है एंड लुक वगैरह भी बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और कुछ चीज़ अगर छूट गया हो जो कि मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच।